अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ होना है, आई इक्वल टू पी आर टी। ये इसको याद रखने का सिंपल एक निमोनिक है। तो आई क्या, आई फोर पी फोर आर फोर टी फोर लिख लेते हैं क्या होता है। आई इज सिंपल प्रॉफिट, पी इज प्रिंसिपल, और एनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आर इज द रेट एंड टी इज टाइम। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है आई इक्वल टू पी आर टी, इसको याद रखने का। तो इसमें से हम प्रॉफिट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम को निकाल सकते हैं। तो जो आपको रिक्वायर्ड हो इसमें से आप इस फॉर्मूले को कर सकते हैं मॉडिफाई, और ये डिवाइडेड बाय 100 भी होगा। तो ये पूरा फॉर्मूला है आई इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। तो ये जो फॉर्मूला है आई इक्वल टू पी आर टी, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं आई इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, ताकि हम यहाँ से आसानी से दोबारा से मॉडिफाई फॉर्मूला जब करना होगा क्वेश्चंस में तो हम आसानी से कर सकें। क्वेश्चन में आपने ये अब देखना है कि आपको क्या क्या गिवन है। ₹55 सिंपल प्रॉफिट ऑन अ सम ऑफ मनी विच इज बोर्ड फॉर 5 मंथ्स, दिस इज द टाइम, एंड गिवन द रेट ऑफ प्रॉफिट, दिस इज रेट इज 12%। रेट अक्सर जो है वो परसेंटेज में होता है। पर एनम मीन्स एनुअल, पर ईयर, इसको एनुअली भी कहेंगे ये लोग कुछ क्वेश्चन में, और कुछ एनम और पर ईयर भी कहा जा सकता है। तो पर एनम का मतलब पर ईयर होता है, और फाइंड द सम ऑफ मनी इसका मतलब कि आपने जो टोटल मनी थी या प्रिंसिपल अमाउंट है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं आई फॉर प्रॉफिट था तो आई इक्वल टू 55 आ जाएगा। इसके अलावा 5 मंथ्स है, टी टाइम, टाइम इज इक्वल टू 5 मंथ्स। तो अगर हम इसको ईयर्स में करें, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो पर ईयर चाहिए, तो 5/12 ईयर्स आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने निकालना है, 1 ईयर 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने 5 मंथ्स का निकालना है तो 5/12 ईयर्स हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। और रेट यहाँ पे है आर इक्वल टू 12%। अब इसको जस्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो फॉर्मूला तो सारा ये आई इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। तो यहाँ से हमें एक्चुअली क्या निकालना है, पी फाइंड करना है। तो यहाँ से हम पी अलग अगर करें तो ये आई मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, पी अलग हो जाएगा। और यहाँ से देखें पी हमने अलग करना है, तो आर और टी कहाँ जाएगा, दूसरी साइड पे नीचे चला जाएगा। तो ये आ जाएगा आर मल्टीप्लाई बाय टी, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आई 55 है, 100 मल्टीप्लाई होगा, आर रेट है जो कि 12% था, तो यहाँ जस्ट 12 लगाना है, परसेंटेज नहीं लगाना, और टाइम 5/12 है। और इसको हम कटिंग करके और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1100। तो पी क्योंकि अमाउंट होती है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1100, इसके साथ रुपीज़ लगाना है। जो भी आप फाइंड करेंगे उसके साथ आपने ये जरूर लगाना है कि आपने फाइंड क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में जी, मिसेज जावेद इन्वेस्ट इन सेविंग स्कीम ₹800 एट 6% पर एनम एंड ₹1200 एट 7% पर एनम। तो यहाँ पे दो रेट्स दिए हुए हैं और आपने दोनों पे प्रॉफिट फाइंड करना है, और टोटल प्रॉफिट फिर आप फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप देखें, हम यहाँ पे लिखेंगे जो अमाउंट है पी वो ₹800 है, रेट 6% है एक दफ़ा, और एक दफ़ा रेट है 7%, और उसके हिसाब से ₹1200 है 7% के लिहाज से, और 6% है 800 के लिहाज से। तो अब आपने प्रॉफिट फाइंड करना है, और टाइम यहाँ पे क्या होगा, 1 ईयर का, क्योंकि पर एनम उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आई इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इससे आंसर आता है जी ₹48। अब हम देखेंगे अगर सेकंड केस है, जब उसके पास ₹1200 थे और रेट था 7% और टाइम वही है 1 ईयर का, और यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, इसको आप I1 कह दें, इसको I2 कह दें। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा पी आर टी ओवर 100, और वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, तो इससे आंसर आ जाते हैं ₹84। अब टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 48 + 84, दिस इज इक्वल टू ₹132। सो टोटल प्रॉफिट इज ₹132। क्वेश्चन नंबर 3 में जी, हाउ लॉन्ग वुड ₹1250 हैव टू बी डिपॉजिटेड एट 6% पर ईयर सिंपल प्रॉफिट टू गेन ₹750 सिंपल प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देखें, 1250 टू बी डिपॉजिटेड
और प्रॉफिट टू गेन ₹750। तो गेन जो है वो प्रॉफिट होता है और यहाँ पे 6% रेट दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग का मतलब है कि वो टाइम पूछना चाह रहे हैं कि कितने टाइम के लिए। तो यहाँ पे टाइम हमने फाइंड करना है और पी जो है वो 1250 आएगा, आई विच इज़ अ प्रॉफिट वो 750 आएगा और रेट जो है वो 6% है। अब वैल्यूज पुट करेंगे और फॉर्मूला पहले मॉडिफाई कर लेते हैं इस तरह से कि आई इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 है, यहाँ पे आपको टी फाइंड करना है। तो टी फाइंड करने के लिए आप ये आई मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और ये जो पी और आर है ये डिवाइड हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल टू टी। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, इसको अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें तो आंसर या कटिंग कर लें तो आंसर आपके पास बचेगा 10 ईयर्स, क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं, इसके साथ जो यूनिट आएगा वो टाइम का आएगा ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 जी है कि अली ने लेंट किए हैं आबिद को ₹4800 फॉर 7 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी प्रिंसिपल अमाउंट पी कहते हैं इसे, ₹4800 है और 7 मंथ्स है, मतलब टाइम जो है वो 7 मंथ्स का है। 7 मंथ्स जब भी मंथ्स होंगे हम उसको कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, तो ये आ जाएगा 7/12 ईयर्स। और ऑफ दिस पीरियड आबिद हैड टू पे अली प्रॉफिट ऑफ ₹119 और जब अली को वापस करने हैं आबिद को तो वो प्रॉफिट के साथ करेगा और वो प्रॉफिट जो उसको होगा वो ₹119 का होगा। वट वॉज द रेट ऑफ सिंपल प्रॉफिट पर एनम, तो रेट हमने फाइंड करना है कि सिंपल प्रॉफिट का रेट क्या है। तो जी इसी फॉर्मूले को हम करेंगे मॉडिफाई, यहाँ से आर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें आप आई मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और आर सेपरेट करेंगे तो उसके साथ जो बाकी हैं पी और टी वो जाके आई के साथ डिवाइड हो जाएंगे, पी मल्टीप्लाई टी। वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, आई की जगह 119 आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 ओवर पी की जगह 4800 आएगा मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 7/12 ईयर्स। इसको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेट करें तो आंसर आता है आर इक्वल टू 4.25%, क्योंकि रेट मैंने आपको बताया कि अब रेट परसेंट में होता है तो रेट पर ईयर हम निकालते हैं तो रेट इज 4.25% पर ईयर। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 5 में मिस्टर जावेद हैं जिन्होंने ₹600 रखे हैं किसी प्राइवेट बैंक में, एक सेविंग अकाउंट उन्होंने ओपन करवाया है एट द एंड ऑफ मार्च और उन्होंने ₹400 रखे हैं मार्च के एंड पे और यहाँ पे 3% रेट है और यहाँ पे इसके अलावा ₹600 रखे हैं उन्होंने एट द एंड ऑफ मार्च और ₹400 रखे हैं एट द एंड ऑफ जून। तो इसका मतलब है कि उन्होंने दो दफ़ा पेमेंट यहाँ पे डिपॉजिट करवाई है और उनको जो मार्कअप रेट मिल रहा है, जो उनको प्रॉफिट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 3%। तो आपने ये फाइंड करना है कि उनको दिसंबर में मतलब एट द एंड ऑफ ईयर टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी। सो आई इज 600 हेयर एंड द रेट इज 3% और टाइम यहाँ डिसाइड करना है क्योंकि एट द एंड ऑफ मार्च उन्होंने 600 रखा है। इसका मतलब है कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स बनते हैं। तो यहाँ पे आएगा 9 मंथ्स और इसके अलावा यहाँ पे जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में तो ये आ जाएगा 9/12 ईयर्स। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं, आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, इसका हमने प्रॉफिट फाइंड करना है तो वैल्यूज डाल लेते हैं इसमें। दिस इज पी एक्चुअली, सो पी इज 600, आर इज 3, टाइम इज 9/12 ईयर्स एंड डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमें आंसर मिलेगा जी ₹13.5। इसी तरह अब हम पी ले लेते हैं, यहाँ पे 400, रेट 3% ही रहेगा और टाइम देखें कितना रहेगा। टाइम अब वो उसने एट द एंड ऑफ जून रखना है तो जून से लेकर दिसंबर तक बनते हैं जी 6 मंथ्स, 6 मंथ्स और अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें ईयर्स में तो ये बनेगा 6/12 ईयर्स। फॉर्मूला वही रहेगा, आई इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 400 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6/12 ओवर 100, इसको कैलकुलेट करें तो आंसर कैलकुलेटर देगा ₹6। इसको टोटल करेंगे, टोटल प्रॉफिट इज 13.5 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 19.5 एंड टोटल अमाउंट जो उसको दिसंबर मिलेगी विद प्रॉफिट, क्योंकि उसने जो अमाउंट रखवाई और वो जो उसको प्रॉफिट हुआ उसको टोटल करेंगे, 600 प्लस 400 प्लस 19.5, इसको टोटल करेंगे कैलकुलेट करके आंसर आएगा 1019.5, दिस इज रुपीज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर ही रिपीट होता है पेपर में। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है एट व्हाट एनुअल रेट, इट मींस आपने फाइंड करना है आर
प्रॉफिट वुड बी अ सम ऑफ रुपीज 680, आई जो आपके पास अमाउंट है वो है 680, विल इंक्रीज टू 850। तो मतलब प्रॉफिट क्या हुआ कि जो आपकी अमाउंट है 680 वो इंक्रीज हो जाएगी 850। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि 850 में से 680 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ, ये बनते हैं जी 170 रुपीज़। और इसके अलावा आपको दिया गया है टाइम 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, तो टाइम निकालेंगे हम यहाँ पे 3 ईयर्स प्लस 4 मंथ्स। अब इनको हमने कन्वर्ट करना है ईयर्स में सबको, तो 3 तो ईयर्स ही हैं उसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, प्लस 4 को कन्वर्ट करेंगे 12 से डिवाइड करके ताकि वो भी ईयर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये टोटल जो है वो ईयर्स में चला जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ईयर्स और मंथ्स को ऐड नहीं कर सकते, पहले मंथ्स को हमने किया ईयर्स में कन्वर्ट, उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो इसका ले लेते हैं जी एलसीएम, तो 12 ये आ जाएगा 12 36 प्लस 4, दिस इज 40/12। और अगर इसकी हम कटिंग करें तो ये आता है जी बनेगा जी 10/3 ईयर्स। अब हम जस्ट इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में, क्योंकि हमने फाइंड करना है आर, तो यहाँ से अगर आर सेपरेट करें तो आई मल्टीप्लाई हो जाता है 100, और जो आर के साथ है पी और टी वो जो है कि मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे सिंपल, तो आंसर आएगा 7.5% पर ईयर। और जो बुक में आंसर लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है आर इक्वल टू 7.5, इस तरह भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, पर एनम और पर ईयर जैसे आपको सही लगे। क्वेश्चन नंबर 7 में एक टेबल है जिसको आपने कंप्लीट करना है डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, और उसमें ये सारी चीज़ें हैं जिसमें गिवन है, किसमें आई पी आर टी और 100, इसमें से कुछ ना कुछ गिवन है और आपने कुछ ना कुछ फाइंड करना है। तो एक्चुअली आपने डिफरेंट यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ होगा, जैसे कि मैंने ये बताया आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100 होता है, जिसमें यहाँ पे ये जो है वो प्रॉफिट है और ये अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट है और ये रेट ये टाइम और डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे दो चीज़ें, प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ से अगर हम देखें पी को अगर अलग करें तो ये बनता है जी आई मल्टीप्लाई 100 ओवर आर मल्टीप्लाई टी, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा, दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट, अगर आपको आई प्रॉफिट दिया हो फॉर प्रॉफिट गिवन। लेकिन अगर आपको आई की जगह प्रॉफिट की जगह टोटल अमाउंट दी हो, दिस इज पी इज प्रिंसिपल अमाउंट बट पी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी। थोड़ा सा मॉडिफाई करना है फॉर्मूले को, देखिए ऊपर क्या है आई की जगह ए आ गया ऊपर वाला वैसे ही है, और नीचे जस्ट 100 प्लस ये आर मल्टीप्लाई टी आएगा। ये फॉर्मूला कब यूज हो जाएगा, फॉर टोटल अमाउंट गिवन, अगर आपको टोटल अमाउंट दी गई होगी तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसी फॉर्मूले को देखिए हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये तीन फॉर्मूलाज बना लिए हैं। अब इसी तरह अगर आपने रेट फाइंड करना है या फिर हम टाइम फाइंड करना है तो फिर उसी तरह से जैसे आपको मैंने पिछले क्वेश्चन से बताया आप उसको मॉडिफाई करते जाएंगे। यहाँ पे ए टोटल अमाउंट है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, जिसमें ये डाटा दिया हुआ है और आपने इसमें फाइंड करना है जी सिंपल प्रॉफिट जो कि आई है और टोटल अमाउंट ए फाइंड करनी है। आई का तो जैसे फॉर्मूला आपको पता है आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100 है, इसमें जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे पी की जगह 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई 7 ओवर 100, तो ये आपको आंसर देगा 6720 रुपीज़। ये आप लिखेंगे जी आई की जगह सिंपल प्रॉफिट की जगह। और अब आपने अमाउंट फाइंड करनी है तो एक और फॉर्मूला बताया था जिसमें आपको बताया कि प्रिंसिपल अमाउंट जो पी है वो इक्वल होती है ए मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ से आप देखिए अगर आपको ए सेपरेट करना है तो ये वहाँ चला जाएगा पी के साथ 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी इस तरह से ओवर 100। देखिए फॉर्मूला आपने एक ही याद रखना है, बस उसको मॉडिफाई करना आना चाहिए कि अगर आपने ए सेपरेट करना है तो ए अलग हो जाएगा और ये जो नीचे वाली चीज़ है वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगी और 100 नीचे आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पी जो है वो 12,000 है, 100 प्लस आर इज 8 मल्टीप्लाई बाय 7 टाइम ओवर 100, ये आ जाएगा जी 12,000
हंड्रेड प्लस एट सेवन टाइम 56 ओवर 100, तो आपने मल्टीप्लाई करना है इसको 12,000 को 156 और डिवाइड करना है 100 से, तो ये आपको आंसर दे देगा 18720 रुपीज़। सो ए पार्ट सॉल्व हो गया। सो बी पार्ट में आपने टाइम और अमाउंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे आई इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, तो यहाँ से हम टी अलग करें तो आपके पास आ जाता है जी आई मल्टीप्लाई 100 ओवर पी मल्टीप्लाई बाय आर। इसमें वैल्यूज डालते हैं, आई इज 220 मल्टीप्लाई 100 ओवर पी इज 500 मल्टीप्लाई बाय आर इज 11। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर आता है इसका 4 ईयर्स, क्योंकि हम टाइम फाइंड कर रहे हैं तो उसके साथ ईयर्स लगाएंगे। अब हमने अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला आपको पता है कि प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी था। तो अब यहाँ पे भी आपने ए सेपरेट करना है, तो फॉर्मूला लर्नर्स एक ही बात याद रखें कि फॉर्मूला एक ही याद रखना है, ज़्यादा सारे फॉर्मूलाज को मॉडिफाई करके याद रखेंगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक फॉर्मूला याद रखें और उसी को चेंज करके डिफरेंट फार्मूलाज बना लें। अब ये पी के साथ ये बाकी जो है वो 100 इधर मल्टीप्लाई होगा 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100, और यहाँ से ए जो है हमने सेपरेट कर लिया है। अब इसमें वैल्यूज डाल लेते हैं, पी की जगह 500 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस आर 11 आएगा, टी की जगह 4 ईयर्स डालेंगे क्योंकि हमने फाइंड कर लिया है ओवर 100। इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 11 फोर टाइम 44 ओवर 100, और आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, इस तरह से कटिंग नहीं करनी। 500 मल्टीप्लाई बाय 144 हो जाएगा ओवर 100। अब आपने 500 को 144 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना 100 से, तो आपको यहाँ आंसर मिलेगा ₹720, क्योंकि ए जो है वो टोटल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट के साथ आंसर में जो यूनिट लगेगा वो रुपीज लगेगा। पार्ट सी में हम दो चीजें फाइंड करनी है, जिसमें है जी पी प्रिंसिपल और ए टोटल अमाउंट। तो यहाँ से ही हम पी को अलग करें, अगर आई इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 से, तो यहाँ से पी सेपरेट होगा, आई मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और जो आर और टी है वो डिवाइड हो जाएंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, व्हाट इज आई, आई इज 108 मल्टीप्लाई 100 ओवर आर इज 9 एंड टी इज 4। इसको कैलकुलेट करेंगे या सिंप्लीफाई करके, तो आंसर आता है जी 300। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट है सो दिस इज रुपीज। अब नेक्स्ट आपने फाइंड करना है ए, फॉर्मूला वो यूज करेंगे, पी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी, तो ए सेपरेट करना है तो ये वहां चला जाएगा, पी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। वैल्यूज पुट करेंगे, पी की जगह आएगा जी 300 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस आर इज 9 टी इज 4 ओवर 100। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि कटिंग नहीं करनी है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे वरना आंसर गलत हो जाएगा। 100 प्लस 36 ओवर 100, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 136 ओवर 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 408 रुपीज। डी पार्ट में भी आपने रेट और अमाउंट फाइंड करना है, तो R के लिए इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, R सेपरेट कर लेंगे, जो I के साथ मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और P और T नीचे डिवाइड हो जाएंगे। वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, कैलकुलेट और कटिंग करने के बाद आंसर आता है जी 4%। अब हमें A फाइंड करना है, जैसे कि हम पहले फाइंड करते रहे हैं, वहां पे हम P के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है 100 प्लस R मल्टीप्लाई T। इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं काफी दफा बता चुकी हूँ कि ये इधर से ये फॉर्मूला कैसे बना, और इसमें वैल्यूज पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे। वैल्यूज डालने के बाद और इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा जी 4200 रुपीज। यहाँ पे हमें फाइंड करना है जी पी और आर, तो यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला हम पहले यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पी भी अननोन है आर भी। यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने पहले नहीं किया, एक सिंपल फॉर्मूला है जो कि आप बाकी टेबल में भी यूज कर सकते हैं, टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट पर सिंपल प्रॉफिट। तो टोटल अमाउंट जो है वो हम ए से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पी प्लस आई। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप बाकी में भी यूज कर सकते हैं टोटल अमाउंट निकालने के लिए, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल अमाउंट आपके पास है 3960 और पी आपने फाइंड करना है प्लस आई आपके पास 360 है, तो ये पी यहीं पे रह जाएगा और ये जो 3960 के साथ 360 माइनस हो जाएगा तो पी आपके पास आ जाएगा 3600 रुपीज। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप बाकी में भी टोटल अमाउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अब आपने रेट फाइंड करना है, तो रेट हम इसी फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, आई इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 से, तो आर अलग करें तो आई मल्टीप्लाई 100
ओवर पी मल्टीप्लाई टी आ जाता है। तो आई यहाँ पे है जी 360, इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे और पी जो है आपके पास आया 3600 और मल्टीप्लाई टाइम इज 2 ईयर्स, तो इसको कैलकुलेट करें आंसर आता है 5%। एफ पार्ट में हमने इसका आर और ए फाइंड करना है, रेट और अमाउंट। तो रेट हम फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं, आर इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर पी मल्टीप्लाई बाय टी, वैल्यूज पुट करेंगे, आई इज 189 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर पी इज 1800 मल्टीप्लाई टाइम इज 18 ईयर्स, सो कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर देगा 7%। अब आपने ए फाइंड करना है, तो जैसे कि मैंने आप पिछले में बताया बी पार्ट में कि आई ए इक्वल होता है पी प्लस आई के, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल प्रॉफिट। तो अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालने के लिए पी जो आपके पास है वो 1800 है प्लस आई 189 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे आंसर आएगा 1989। तो ये आप सिंपल सा फॉर्मूला ए के लिए यूज कर सकते हैं। बी पार्ट में आपने दो चीजें फाइंड करनी है जिसमें है रेट और सिंपल प्रॉफिट। तो सिंपल प्रॉफिट पहले हम फाइंड करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, ए इक्वल टू पी प्लस आई से। तो यहाँ पे ए है जी 5040 और पी 4500 है, प्लस आई हमने फाइंड करना है, तो ये आई यहीं पे रह जाएगा 5040 माइनस 4500, तो ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 540 रुपीज़। अब हमने फाइंड करना है जी आर, तो आर हमने वही फॉर्मूला यूज करेंगे पी आर टी वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा आई मल्टीप्लाई 100 ओवर पी मल्टीप्लाई टी, सो आई इज 540 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर पी इज 4500 मल्टीप्लाई टाइम इज 2 ईयर्स, इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 6%। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे हमने करना है जिसमें हमने पी और टी फाइंड करना है। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे ए इज इक्वल टू पी प्लस आई का और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ए की जगह आएगा 1290, पी की जगह आ जाएगा वैल्यू आपने फाइंड करनी है और आई की जगह आएगा 90, पी यहाँ पे रह जाएगा, ये माइनस होगा 1290 माइनस 90, पी का आंसर आ जाएगा ₹1200। अब आपने फाइंड करना है जी टाइम टी, तो वो पी आर टी के फॉर्मूले से वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, तो ये जी वैल्यूज लगाने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.5 ईयर या फिर आपके पास 1.5 ईयर, ये इस तरह का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक बैंक जो है जिसने इंक्रीज कर दिया है प्रॉफिट का रेट फ्रॉम 3.5% टू 4% एनुअली। तो अब आपने प्रॉफिट फाइंड करना है जबकि 6400 डिपॉजिटेड किया गया है 6 मंथ्स के लिए। तो ये क्या है, पी है 6400 और यहाँ पे जो 6 मंथ्स का टाइम है, टी इज इक्वल टू 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स को अगर हमने कन्वर्ट करना है ईयर्स में, तो 6 बाय 12 कर देंगे तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक रेट है जी 3.5% और जो दूसरा रेट है इसको आर वन कह देते हैं, आर टू जो है दूसरा रेट वो 4% है। दोनों में प्रॉफिट निकालेंगे और देखेंगे कि जो टोटल प्रॉफिट है वो उसका कितना ज़्यादा है। 3.5% पे जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यू बनती है ₹112। अब हम इसी तरह 4% रेट पे प्रॉफिट की वैल्यू निकालेंगे, आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर आता है जी ₹128। अब देखें ये 128 है 4% पे प्रॉफिट और 3.5% पे 112 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब ज़्यादा प्रॉफिट का कितना हुआ, तो 128 माइनस 112 इसको करेंगे तो आंसर आता है ₹16। ये क्या है, न्यू प्रॉफिट रेट है, न्यू प्रॉफिट रेट और ओल्ड प्रॉफिट रेट का डिफरेंस है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको दो रेट्स गिवन है। पहले तो 4000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब है कि ये होगी प्रिंसिपल अमाउंट पी 4000 रुपीज, और अब इसमें से जो पहला रेट है वो है 7 होल 1/4%, ये प्रॉफिट रेट है 7 होल 1/4%, और इसको अगर हम 4 7 से 28 तो ये हो जाएगा 29/4%, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ पे है ये 2 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे टाइम क्या है 2 ईयर्स का, इसके हिसाब से हमने यहाँ प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर पे, तो ये आपने परेशान नहीं होना कि 4 कहाँ जाएगा, ये जी 29 इसको इस तरह कर लें 2, और ये जो 4 नीचे है इसको नीचे वाले 100 के साथ ले आएं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे लग कर लें मल्टीप्लाई, और उसके बाद डिवाइड कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹580। अब जो दूसरा आपके पास है रेट वो है 8% का, तो आपके पास पी वही रहेगा 4000
रेट इंक्रीज़ हो गया 8% पे, और यहाँ पे जो टाइम है वो हम लेंगे 5 ईयर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स उसको कितनी अमाउंट मिली, तो टोटल 7 ईयर्स थे, 2 ईयर्स का हमने निकाल लिया, तो मतलब बाकी कितने रह गए, 5 ईयर्स। अब यहाँ पे हम 5 ईयर्स के हिसाब से प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे आई वाला और कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर आ जाता है ₹1600। तो एक प्रॉफिट हुआ 580 का, एक हुआ 1600 का, तो टोटल जो प्रॉफिट है इसको हम ऐड करेंगे, टोटल प्रॉफिट जो उसको हुआ है वो हुआ 1600 प्लस 580 इज इक्वल टू 162180, 2180 और एट द एंड जो उसको अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी प्रॉफिट और जो उसने इन्वेस्ट किया था वो, टोटल अमाउंट को ऐड करेंगे तो जी टोटल अमाउंट बनती है ₹61,80। दिस इज द आंसर। ओके, मिस्टर दाऊद ने सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो डिपॉजिट करवाया किसी बैंक में, हमें नहीं पता कि वो अमाउंट कितनी है, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता, पी नहीं पता। और यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट है अगर वो डिक्रीज हो 3/3/4% से, 3/1/2% से, तो उनका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा ₹50। तो यहाँ पे अगर हम रेट का ध्यान रखें तो रेट का जो डिफरेंस आता है 3/3/4% से वो डिक्रीज हो गया 3/1/2% पे। तो इसको हम देख लेते हैं कि कितना फ़र्क आया। 4 × 3 × 12, 12 + 3 = 15 ओवर 4% माइनस 3 × 6 7/2%। अब इनका जी आप एलसीएम ले लें तो 4 आ जाएगा 15 माइनस 14, 2 7 = 14 और 7 2 = 14, तो 15 − 14 = 1, 1/4%। ये आ गया रेट में डिफरेंस। और टाइम कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ ईयर, तो इट मीन्स कि 1 ईयर का हमारे पास टाइम है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट है आई, आई को हम प्रॉफिट कहते हैं, वो डिक्रीज हुआ ₹50। तो आई जो है वो ₹50 है। अब इन वैल्यूज को हम इसके हिसाब से हमने क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है। तो यहाँ से आई अगर हम पी निकालना चाहें तो ये आ जाएगा आई मल्टीप्लाई 100 ओवर आर मल्टीप्लाई बाय टी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये 4 क्योंकि नीचे है तो ये आ जाएगा 50 × 100 और ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल रुपीज़ आ जाएंगे 20,000, विच इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट जो कि उन्होंने डिपॉजिट करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 11 के जी आपके पास 5 पार्ट्स हैं जिसमें आपने कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करना है। तो कंपाउंड प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट, जब मतलब आपको डिफरेंट प्रॉफिट्स इकट्ठे होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं कंपाउंड प्रॉफिट का। तो कंपाउंड प्रॉफिट सीपी कर लेने से कंपाउंड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जी फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें फाइनल अमाउंट क्या चीज़ है, फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला है पी मल्टीप्लाई बाय 1 + r/t r/100 पावर टी। तो ये इससे मिलता जुलता थोड़ा सा फॉर्मूला है पी इक्वल टू आर टी वाले से, आई इक्वल टू पी आर टी से। तो यहाँ पे हमने लगाना है जी पी मल्टीप्लाई बाय 1 + r/100 पावर टी, तो ये फाइनल अमाउंट आएगी। कंपाउंड प्रॉफिट निकालने के लिए हम फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे पी की जगह आप लगाएंगे जी 450 मल्टीप्लाई बाय 1 + r, रेट जो है वो 10 है, ओवर 100 पावर जो टी है वो है 2 ईयर्स, दिस इज 2 ईयर्स। और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे 450 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप अगर एलसीएम लेना चाहें तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 100 + 10/100 और पावर 2। तो ये 450 मल्टीप्लाई बाय 110/100 पावर 2। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं 450 मल्टीप्लाई बाय 1.1 स्क्वायर, मतलब इस तरह से आपने स्टेप वाइज इसको कैलकुलेट करना है अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको नहीं आ रही। तो 450 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 के स्केयर से जो कि आता है 1.21, और 450 को जब 1.21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 544.5 रुपीज़। अब कंपाउंड प्रॉफिट के लिए फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे तो कंपाउंड फाइनल अमाउंट हमारी आई है 544.5 और प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास थी 450, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹94.50। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ कंपाउंड प्रॉफिट। पार्ट टू में जी वही चीज़ें हैं और आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। 700 पी की जगह आएगा 1 + इसका जो रेट है वो 11% है, ओवर 100 और पावर टाइम में है, टाइम जो है वो 3 ईयर्स का है। तो इसको भी आपने सही तरह से स्टेप वाइज कैलकुलेट कर लेना है, 100 + 11 ओवर 100,
क्योंकि इसमें पावर लेनी है, तो पावर जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन को डिस्टर्ब कर दे, तो आपने यहाँ पे इसको ध्यान से करना है। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 1.11 पावर 3, इसका पहले लेना है पावर 3, मतलब आपने इसी को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें या कैलकुलेटर से इसका क्यूब ले लें, जो आंसर आएगा उसको 700 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूब में इसका आता है जी 1.3676, और जब 700 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 957.34 आंसर बनता है। ये फाइनल अमाउंट है, कंपाउंड प्रॉफिट निकालेंगे तो माइनस करने के बाद आंसर आ जाता है 257.34 रुपीज़। यूनिट लगाना नहीं भूलना है। पार्ट नंबर 3 में 5000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये आ जाएगा 1 प्लस रेट की जगह आएगा 4, 11 टाइम 44 प्लस 3, 47 ओवर 100, 47 बाय 4 ओवर 100, और पावर टाइम 2 इयर्स का है। तो अगर 47 को 4 से यहीं पे हम डिवाइड कर लें तो आसानी हो जाएगी, 1 प्लस 11.75 ओवर 100 पावर 2। इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आएगा 1.2488, 6244.03। ये फाइनल अमाउंट है। कंपाउंड प्रॉफिट निकालने के लिए जब फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1244.03 रुपीज़। तो ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट, 3 ईयर्स इसमें है और 4% रेट है, 1200 प्रिंसिपल अमाउंट है, वैल्यूज पुट करेंगे, और यहाँ मैंने इसको सही तरह से स्टेप वाइज कर दिया, आप यहाँ देख सकते हैं आंसर आ जाएगा 1349.88। अब इसका निकाल लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट, इसका आंसर आ जाएगा जी 149.4 रुपीज़। ओके लर्नर्स, ऑन द लास्ट पार्ट पी इज 10,000, 1 प्लस रेट इज 7 होल 1/2%, डेट इज 7.5% ओवर 100, पावर इज 3 बिकॉज देर आर 3 ईयर्स टाइम। सो इसको कैलकुलेट करेंगे सिंप्लीफाई करके तो इसका आंसर आता है 1242.97, और कंपाउंड प्रॉफिट का आंसर आएगा 2422.97 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जो कि हमने कंपाउंड प्रॉफिट इसमें निकाला है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे भी बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाएंगे कंपाउंड प्रॉफिट का और आंसर निकालेंगे, और यहाँ भी हमने जस्ट फाइनल अमाउंट फाइंड करनी है क्योंकि हाँ फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, दैट इज फाइनल अमाउंट। पी की जगह आ जाएगा जी 5000, रेट इज 5 4 टाइम 20 एंड 21 बाय 4, और नीचे चाहे 100 से मल्टीप्लाई कर दें 4 को और ऊपर टी आ जाएगा, टाइम इज 3 ईयर्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जिस चाहिए आ जाएगा फाइनल अमाउंट, डेट इज 5829.57 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 13 इज लिटल बिट डिफरेंट, इसमें है कि जावेद ने इन्वेस्ट किए हैं 800 रुपीज़, इट मीन्स के पी इज 800 और रेट है जी 12 होल 1/2%, और इसको हम लिख सकते हैं 12.50%, और पर एनम है कंपाउंडेड प्रॉफिट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो मतलब कि एक ईयर में ये 2 दफ़ा प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे हम जो हाफ ईयरली निकालेंगे हाफ ईयरली प्रॉफिट, तो हम रेट को भी हाफ कर लेंगे इसका, तो 12.50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25%, हाफ रेट हो गया। व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो हमने कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो उसकी फाइनल अमाउंट बनती है वो फाइंड करेंगे, और फाइनल अमाउंट का वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया है, डेट इज पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर ओवर 100 पावर टी, और यहाँ पे लगाएंगे जी वैल्यूज 800 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट इज 6.25% ओवर 100, टाइम में आएगा जी 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली है इसलिए 2 दफ़ा जो के हुआ है, तो यहाँ पे टाइम 2 टाइम्स आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, स्केल लेने के बाद आंसर देगा 903.13 रुपीज़। सो लर्नर्स, वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.2। आई होप यू आर वॉचिंग माई वीडियोज एंड ऑल्सो लाइकिंग इट, काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज अ लिटल बिट डिफरेंट टू। इन दिस क्वेश्चन मिस्टर स्लीम इन्वेस्ट 9000 रुपीज, सो पी इज 9000 एंड रेट इज 2%, बट द प्रॉफिट इज कंपाउंडेड डेली, तो डेली का जो है वो उनका जो प्रॉफिट है वो कंपाउंड किया जाता है, इकट्ठा होता है, तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ थर्ड डे टाइम आपके पास है 3 डेज का, तो जो रेट है वो उसको हम डेज के हिसाब से निकालेंगे,
तो अगर ये 2% पर डे है तो इट मीन्स कि 2/365% पर ईयर आएगा, मतलब कि क्योंकि डे के हिसाब से था, और हम अगर ईयर के हिसाब से रेट निकालें तो वो 365 डेज, क्योंकि 1 ईयर में होते हैं, इसलिए हम इसे 365 से डिवाइड कर रहे हैं। अब वो फॉर्मूला वही लगेगा कंपाउंड प्रॉफिट का। सो लर्नर्स, यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन कर दिया है जो आपके आप देख सकते हैं, और फाइनल अमाउंट का आंसर आता है 9001.48 रुपीज़। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।